मिथुन राशि वालों, 29 जुलाई सोमवार का दिन भरणी नक्षत्र और शुक्र के प्रभाव से दिन का आरंभ होना, शुक्र आपकी कुंडली के धन भाव पर सूर्य के साथ गोचर कर रहा है। शुक्र की स्थिति बहुत ही प्रभावशाली है क्योंकि शुक्र राहु के साथ नवम पंचम योग बना रहा है और राहु आपकी कुंडली के कर्म भाव पर विराजमान है। वहीं आपकी कुंडली के लाभ स्थान पर मंगल और बृहस्पति का प्रभाव है। काफी लाभकारी और सौभाग्यशाली आज का दिन है। बुध का गोचर आपकी कुंडली के पराक्रम भाव पर और शनि के साथ बुध का सप्तक योग है। वहीं आपकी कुंडली के सुख भाव पर केतु का गोचर और बृहस्पति की पंचम दृष्टि केतु के ऊपर होना वृद्धि योग है। शाम 5:55 और अमृत काल सुबह 6:17 आपकी जीवन में काम की प्रशंसा, भाग्य का साथ है, सफलता, कामयाबी, धन का लाभ है। मिथुन राशि वालों के लिए दिन बड़ा लाभकारी और सौभाग्यशाली है क्योंकि आज चंद्रमा का सूर्य के साथ चतुर्दशम योग बन रहा है। शाम 4:55 पर जब चंद्रमा आपकी कुंडली में बृहस्पति मंगल के साथ गोचर करेगा, त्रिग्रही राजयोग का निर्माण करेगा, जिसके कारण मिथुन राशि के जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाएंगे। कोई बड़ी बाधा, कोई बड़ा रुकावट आपकी जीवन से दूर हो जाएगा। प्रभावशाली जीवन आपके लिए काफी सुख प्रदान करेगा। अपने मेहनत से अपने भाग्य को बदलने की क्षमता आज आपके अंदर है। स्वाभिमान भी आपका जागृत है और मिथुन राशि वालों के जीवन में तरक्की का अवसर भी प्राप्त होने वाला है। आज का दिन धन संपत्ति, सौभाग्य, सफलता और कामयाबी के साथ स्वाभिमान को बढ़ाने वाला लाभकारी दिन है। किस्मत आपकी चमक उठेगी, मन की उलझने दूर होगी, पारिवारिक जीवन सुख देगा, संपत्ति उन्नति की प्राप्ति होगी और भाग्यशाली भी आप होंगे। 10:55 कृतिका नक्षत्र साहस शक्ति का संचार, उमंग उत्साह के साथ जीवन का आगे बढ़ना, नौकरी व्यापार के क्षेत्र में सफलता का योग है, कामयाबी का योग है और 33 वर्ष से नीचे के लोगों के जीवन में अपार खुशी और सुख की प्राप्ति भी होने वाली है। काफी लाभकारी आज का दिन है। सभी प्रकार के सुखों का आप भोग करेंगे। आज आपके लिए बड़ा लाभकारी अवसर प्राप्त हो रहा है। दक्षिण दिशा की तरफ आपका भाग्योदय होगा तो दक्षिण दिशा की तरफ से दिन आरंभ करें। दक्षिण दिशा की तरफ से जो भी काम शुरू करेंगे उस काम की बाधा, उसकी रुकावट आपकी जीवन से दूर होगा। आज का दिन विशेष तौर पर लाभकारी दिन है जो आपको अच्छे अवसर देगा। अवसर का लाभ उठाकर आप धन कमाएंगे, सुख भी पाएंगे। मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही प्रभावशाली दिन आपके कार्य की गति को तेजी प्रदान करेगा और आपके जीवन में बड़ी उपलब्धि लेकर आएगा। हर प्रकार से मिथुन राशि वालों के लिए दिन लाभकारी है। राहु काल 7:23 से 9:04 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें और पूरब दिशा की तरफ से बिल्कुल भी दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लक्की कलर रेड होगा, लक्की नंबर 9 होगा और मिथुन राशि की किस्मत में सुख धन लाभ का सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा, जो आपके जीवन में तरक्की और खुशहाली लेकर आएगा। आज बृहस्पति मंगल के साथ चंद्रमा का गोचर करना काफी प्रभावशाली होगा जो आपको बहुत भाग्यशाली बनाएगा। किस्मत आपकी चमक उठेगी और जीवन में महत्वपूर्ण कार्य आपके सफल हो जाएंगे। तो मिथुन राशि वालों, चलिए जानते हैं विस्तार से आज का मिथुन राशि फल। जय श्री राम, जय हनुमान, ओम श्री हनुमंते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान, निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शोभे सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। 29 जुलाई सोमवार का दिन अश्वनी लग्न में केतु के प्रभाव से दिन आरंभ हो रहा है। आज ये सावन माह कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि है।
5:55 शाम तक, उसके बाद दसवीं तिथि का उदय होगा। गंड योग है शाम 5:55 तक, उसके बाद वृद्धि योग आरंभ होगा। भरणी नक्षत्र शुक्र का प्रभाव 10:55 तक, उसके बाद कृतिका नक्षत्र में सूर्य का प्रभाव। भरणी नक्षत्र का शुक्र जो इस समय आपकी कुंडली में सूर्य के साथ गोचर कर रहा है, चंद्रमा के घर में विराजमान है और आपकी कुंडली के भाग्य भाव, कर्म स्थान और सुख स्थान को प्रभावित कर रहा है, आपके लिए बड़ा लाभकारी साबित होगा। भरणी नक्षत्र स्वामी शुक्र जो आपकी जीवन में सुख देता है, संपत्ति देता है, धन और जीवन में उन्नति का योग बनाता है, पारिवारिक सुख आपकी बढ़ती है, आमदनी आपका बढ़ता है, स्थिति आपकी जीवन की बदलती है और बड़े लाभ सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 10:15 के बाद कृतिका नक्षत्र और सूर्य का प्रभाव, साहस का संचार, जीवन में शुभ काम का सामर्थ्य, प्रभावशाली, भाग्यशाली, आज का दिन बड़ी उपलब्धि भरा होगा, क्योंकि आज का दिन बड़ा विशेष है। शाम 4:55 चंद्रमा का राशि परिवर्तन और चंद्रमा का आपकी कुंडली में बृहस्पति मंगल के साथ गोचर करना काफी सुख देने वाला साबित होगा। बड़े भाग्यशाली भी आप होंगे, क्योंकि जब चंद्रमा मंगल और बृहस्पति के साथ गोचर करेगा उस समय वृद्धि योग होगा। वृद्धि योग में आपके कार्य सफल होते हैं, वृद्धि योग में नौकरी व्यापार में धन का लाभ मिलता है, भाग्य आपके चमक रहे हैं और सुख बढ़ने वाला है, क्योंकि इस समय ग्रहों की दशा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आया है। सूर्य का पुष्य नक्षत्र में शनि से प्रभावित होना और शुक्र का अश्लेषा नक्षत्र में बुध से, बुध शनि एक दूसरे के साथ सब सप्तक योग बना रहे हैं। बुध और शनि एक दूसरे का मित्र ग्रह है, जिसके प्रभाव से आपकी जीवन में खुशी, सुख, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आज का दिन काफी लाभकारी और भाग्यशाली अवसर प्रदान कर रहा है, क्योंकि आज बृहस्पति और मंगल, बृहस्पति का रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा से प्रभावित होना और मंगल का भी रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा से प्रभावित होना और चंद्रमा का शाम 4:55 पर बृहस्पति मंगल के साथ गोचर करना, त्रिग्रही राजयोग का निर्माण करना आपके लिए काफी लाभकारी साबित होगा। स्थिति आपकी जीवन की बदल जाएगी, धन संपत्ति